किसान भाइयों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किसान भाइयों को मिलेंगे 11 11 हज़ार रुपये। दोस्तों, सभी किसान भाइयों के खाते में 11 11 हज़ार रुपये मोदी सरकार ट्रांसफ़र करेगी, क्योंकि दोस्तों यह जो रकम है वो सीधे सभी किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र करेगी मोदी सरकार। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारी अपडेट के साथ बताऊँगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसान भाई हैं, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके बैंक खाते में 11 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे मोदी सरकार की तरफ से। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इस पर लिखा गया हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि, किसानों के को 6 हज़ार रुपये के अलावा 5 हज़ार रुपये और मिलेंगे। जानिए इस योजना के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों के खाते में 6 हज़ार रुपये आते हैं, और उसके बाद अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जितने भी किसान भाई आते हैं, उन सभी किसान भाइयों को 5 हज़ार रुपये एक बार फिर हर सालाना 11 हज़ार रुपये मोदी सरकार सभी किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र करेगी। क्योंकि दोस्तों इसमें लिखा गया हुआ है आगे की अपडेट में, दरअसल में कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP ने किसानों को सीधा 5 हज़ार रुपये के जो खाद बीज के लिए, जितने भी किसान भाई हैं खाद बीज की सब्सिडी लेते हैं, तो ये 5 हज़ार रुपये दोस्तों खाद बीज की सब्सिडी के लिए किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र करेगी मोदी सरकार। और 2 2 हज़ार रुपये की जो एक साल में 2 2 हज़ार रुपये की जो किस्तें मिलती थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, अब दोस्तों 11 हज़ार रुपये सभी किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जितने भी लाभार्थी 2 हज़ार रुपये योजना का फ़ायदा लेते हैं, उन सभी किसान भाइयों को खाद बीज लेने के लिए मोदी सरकार 5 हज़ार रुपये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसान भाइयों के खाते में एक बार फिर ट्रांसफ़र करेगी। अगर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी क्वेश्चन हमसे पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम आपके आंसर का जवाब ज़रूर देंगे।